अब हम डिस्कशन करने लगे हैं नॉन फूड रिटेल के बारे में विच इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ रिटेलर नॉन फूड रिटेलर कौन है आसान डेफिनेशन आसान तरीके से समझने के लिए हर वो शख्स इदारा विच इज़ सेलिंग नॉन फूड प्रोडक्ट्स टू इट कस्टमर आपके सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स लेके नज़र आ रही होंगी अब अगेन अगर आप नोटिस करें तो वो कौन शख्स या कौन इदारा है जो कि नॉन फूड रिटेलर के तौर पर क्वालीफाई करता है तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम्पलीफ़ाई करें तो हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि नॉन फूड के अंदर फॉल कर रही हैं सो इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक्स इट कैन बी अप्लाइंस इट कैन बी शूज़ इट कैन बी लगेज इट कैन बी टेक्सटाइल इट कैन बी क्लोदिंग इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक्स इट कैन बी आई टी इट कैन बी मोबाइल सो यू नेम ऑल एलैक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंस एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स जो कि एक रिटेलर सेल कर रहा है जो शख्स इदारा सेल कर रहा है वो नॉन फूड रिटेलर कहलाएगा हमारे पास वन बाय वन हम एग्जाम्पल के डिस्कस करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ शूज़ तो शूज़ के अंदर कौन नॉन फूड रिटेलर है जो एग्जिस्ट कर रहा है अपने सराउंडिंग में अगर आप देखते हैं तो हो सकता है आपको बहुत सारी एग्जाम्पल नजर आए लेट मी नेम फ्यू ऑफ देम जिस तरह से एहसान चप्पल स्टोर जिस तरीके से हमारे पास मेट्रो शूज़ की एग्जांपल है जिस तरीके से हमारे पास स्टाइलो की एग्जांपल है जिस तरीके से हमारे पास बाटा की एग्जांपल है हमारे पास सर्विस की एग्जांपल है तो ये देर आर फ्यू एग्जांपल्स जो कि लेट्स से शूज़ के हवाले से उस पर्टिकुलर कैटेगरी के हवाले से दे आर नॉन फूड रिटेलर्स अब हम दूसरी एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं लेट्स से टेक्सटाइल या क्लोदिंग की तरफ आते हैं अगेन टेक्सटाइल एंड क्लोदिंग के अंदर यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स अपने इर्गर्द सराउंडिंग में जब आप नजर उठा के देखेंगे आपको यू विल फाइंड दैट मैं लेट मी नेम फ्यू ऑफ देम सफायर इज़ वन ऑफ देम खाडी की अभी हमने पीछे एग्जाम्पल की बात की अगेन अ नॉन फूड रिटेलर है इसी तरीके से अगर हमारे पास जे डॉट की बात करें जुनेद जमशेद के हवाले से बात करें अगेन इज़ नॉन फूड रिटेलर अगर हम बात करते हैं अब किसके अलावा और मल्टीपल तरह की कैटेगरीज के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अपलाइंस की कैटेगरी के अंदर बात करें तो येस पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर बहुत थोड़ी एग्जाम्पल्स मौजूद है लेकिन स्टिल देर आर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स एंटरप्राइजेस के रिटेलर हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं और एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रूबा डिजिटल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो अफजल इलेक्ट्रॉिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल्स दे हैव अगेन वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल नॉन फूड स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दे आर सेलिंग टू एंड कंज्यूमर तो ये तमाम लोग डेफिनेशन के पैरामीटर के ऊपर पैराई के ऊपर पूरे उतरते हैं इसी तरीके से हमारे पास एक्जाम्पल्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो लेट्स ए लेट्स एक एन एग्जाम्पल ऑफ एन स्टेशनरी आइटम तो स्टेशनरी के जो सेलर हैं दे आर ऑल्सो रिटेलर अब सेलर ऑफ वॉट काइंड फॉर एग्जाम्पल सेलर्स लाइक स्टेपल्स सेलर्स लाइक ऑफिस सिस्टम्स सेलर्स लाइक लॉट ऑफ अदर पीपल जो कि किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज किसी भी तरीके से एंड कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं दे आर कंसिडर्ड एज नॉन फूड रिटेलर अगेन हमारे इस को हम इस, इस पार्ट के अंदर भी यू विल फाइंड दो तरह की टाइप्स जिसमें अगर आप देखते हैं तो सॉफ्ट गुड्स रिटेलर हैं और हार्ड गुड्स रिटेलर हैं अब सॉफ्ट गुड्स रिटेलर कौन से लोग हैं वो किस तरह के रिटेलर हैं वो तमाम लोग जो कि टेक्सटाइल सेल कर रहे हैं शूज सेल कर रहे हैं ये सारे लोग कहलाते हैं सॉफ्ट गुड्स रिटेलर जिसकी हमने एग्ज़ाम्पल अभी भी कुछ डिस्कस की है गुल अहमद की एग्ज़ाम्पल ले लें टेक्सटाइल के अंदर लिटल जूनियर की एग्ज़ाम्पल ले लें किट्स के अंदर इसके अलावा हमारे पास यू you नो know, और देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं कलर्स इज़ वन एग्ज़ाम्पल जो कि अगेन क्लोदिंग के अंदर है तो ये सॉफ़्ट गुड्स के रिटेलर हैं दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है हार्ड गुड्स के रिटेलर के हवाले से ये वो तमाम लोग हैं जो कि हार्ड प्रोडक्ट को सेल करें रहे से स्पोर्ट्स को सेल कर रहे हैं लट्से इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहे हैं लट्से सीजनल आइटम्स को सेल कर रहे हैं लट्से अप्लाइंसिस को सेल कर रहे हैं मोबाइल को सेल कर रहे हैं लैपटॉप्स को सेल कर रहे हैं तो ये तमाम हार्ड गुड्स हैं सो हार्ड गुड्स के प्रोडक्ट के सप्लायर प्रोडक्ट्स के रिटेलर आर कॉल्ड नॉर्मली कंसिडर्ड एज रिटेलर फॉर नॉन फूड प्रोडक्ट्स बट स्पेसिफिकली फॉर हार्ड आइटम्स इसीलिए इस तरह के रिटेलर हमारे पास हार्ड गुड्स रिटेलर कहलाते हैं अगेन सॉफ्ट और हार्ड गुड्स के रिटेलर्स आइदर दे आर ऑर्गेनाइज और दे आर अनऑर्गेनाइज पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर अगर आप इसको इवेल्यूएट करते हैं तो आपको नजर आएगा कि यू विल फाइंड लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइजड सेक्टर ब्लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइजड रिटेलर क्योंकि नॉन फूड कैटेगरी के अंदर बहुत कम ऐसा आपको ऑब्जर्व होगा कि ये आपके पास रिटेलर जो हैं वो ऑर्गेनाइज हैं स्टिल वी हैव सम एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं अगेन पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट के अंदर ऑफिस सिस्टम की स्टेशनरी के हवाले से या ऑफिस सप्लाईज़ के हवाले से दे आर वन ऑफ़ द गुड एग्जाम्पल्स अगर आप बात करते हैं हमारे पास आ, किसी न किसी तरीके से हम डिस्कशन में ले आते हैं लट्स आपके घर के पास कोई बैग बनाने वाला है कोई लगेज बनाने वाला है ये भी एक रिटेलर है और इन कंज्यूमर को सेल कर रहा है और ये वो शख्स या वो इदारा है जो कि नॉन फूड सेल कर रहा है जो कि हार्ड वुड सेल कर रहा है लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं है किसी भी तरीके से ये अनऑर्गेनाइज है क्योंकि ये बिल्कुल ही एक अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आपको एक सैमसनाइट का स्टोर नज़र आता है विच इज़ सेलिंग लगेज इंटरनेशनली पाकिस्तान तो ये ऑर्गेनाइज के हवाले से इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ जस्ट टू समराइज जस्ट टू रिकॉल दी एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फूड रिटेलर ये आपको हेल्प करेगा मेमोराइज करने के लिए नॉन फूड रिटेलर्स की एग्जाम्पल को एंड आस्क यूर सेल्फ कि इनमें से कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो कि सॉफ्ट रिटेलर है सॉफ्ट रिटेलर है या हार्ड गुड्स का रिटेलर है तो हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर स्टाइल शूज मैंशन है वन ऑफ़ द कैटेगरीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है नाइकी एडिडास के हवाले से एग्जाम्पल मैंशन है रूबा डिजिटल इज ऑल्सो वन ऑफ़ द एग्जाम्पल जो कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइंसिस के वन ऑफ द रिटेलर्स में से है मीडिया मार्केट इंटरनेशनल इज़ वन ऑफ द बिग सप्लायर्स वन ऑफ़ द बिग रिटेलर्स टू दी एंड सेलिंग टू दी एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से अपलाइंस के हवाले से स्टेपल्स की एग्जाम्पल हमारे पास है सेलिंग ऑल दी ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस इक्वमेंट टू देंड कंज्यूमर ये एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करेंगी रिकॉल करने के लिए दोबारा से इनको अपने मेमोराइज़ करें एंड देन आपको बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा नॉन फूड रिटेलर के हवाले से